हेलो एवरीवन, वेलकम 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 आपका अपना चैनल RHS क्लासेस। तो आज कल का जो हमारा लेक्चर था उसको आगे ले जाते हुए बढ़ते हैं। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और पूरा करते हैं और आगे का जो भी करेंगे आज, और अच्छी तरह से पढ़िए बैठ के। जो भी क्वेश्चन होंगे आप कमेंट में दे सकते हैं हमको, और आप हमसे जो है टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, RHS क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे जा करके, ताकि आप हमसे वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकें और क्वेश्चंस की PDF और आपको फ्री स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा वहाँ से। ठीक है, आइए केमिकल काइनेटिक के बारे में अगर मैं बात करूँ तो केमिकल काइनेटिक क्या है आपको पता था? केमिकल काइनेटिक क्या है बताओ? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया का वेग कोमा अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक तथा उसकी क्रिया विधि का अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अभिक्रिया रासायनिक बलगतिकी बोलते हैं। उसके बाद लास्ट टाइम हमने अभिक्रिया के वेग की डेफिनेशन दी थी। रासायनिक डेफिनेशन देने के बाद उनके दो प्रकार भी बताए थे, और उन दोनों प्रकार को थोड़ा सा और देखें एक बार। हमने अभिक्रिया के वेग के प्रकार भी पढ़े थे ना, अभिक्रिया के वेग दो प्रकार के बताए थे, कौन कौन से? औसत, एक तो भैया औसत वेग, दूसरा तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग आवाज आ रही है? ठीक है। अब औसत वेग मतलब एवरेज रेट, एवरेज रेट। तात्क्षणिक मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, कह दो यार रेट कह दो। ठीक है, इसको मैंने क्या कहा था? RAV बोला था, RAV बराबर डेल्टा एक्स वाई डेल्टा टी बोला था, जिसको हम डेल्टा एक्स का मतलब क्या होता है? किसी समय अंतराल में तो हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो समय अंतराल के, जैसे समय अंतराल चलता रहेगा उसी के अनुसार चेंज होगी। भाई बोलो सही है कि नहीं? मैंने कहा अगर मैं RAV निकालता हूँ, बोले तो औसत वेग निकालता हूँ, तो क्या होगा? जिस तरह से जैसे डेल्टा एक्स का मतलब है कि किसी समय अंतराल में परिवर्तन हो रहा है अभिक्रिया के वेग में, तो इसका मतलब है उसकी सांद्रता भी समय अंतराल के साथ ही चेंज होगी। तो हम फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे, अंतिम में से प्रारंभिक सांद्रता को माइनस करके बताते हैं कि इतनी कमी आई या इतनी वृद्धि हुई उसकी सांद्रता में। ठीक, यहाँ पर अल्प समय होता है तो अल्प समय में बहुत ही कम परिवर्तन आया, तो उसको हम सिंपल R इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dx बाई dt जिस तरह से हमने पहले किया था उसी प्रकार से हो गया था। अगर मैं इन दोनों के यूनिट की बात करूँ, मात्रक की बात करूँ, अगर इनके मात्रक की बात करूँ तो मात्रक तो कल ही बताया था, सबका सबके लिए मात्रक क्या आएगा, चाहे वो कोटि क्यों ना आ जाए, मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू समय इनवर्स, ये बात हमने कल कर ली थी। अच्छा, अगर मैं इसके ऊपर क्वेश्चन बोलूँ आपसे कि भाई चलो एक क्वेश्चन बताओ आप, क्या मैंने बोला कि भाई मेरे पास SO2+ के O2 और गिब्स SO3 है, तो आप इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे? तो हम बोलेंगे सर वेरी इजी, कैसे इसका निकालें? पहले माइनस डेल्टा आएगा डी की जगह, क्योंकि औसत वेग निकाल लें, डेल्टा SO2 द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 देन डेल्टा टी इक्वल माइनस, क्योंकि अभिकारकों के लिए माइनस आता है। अगर आपने ये वीडियो समझ में नहीं आ रहा तो आप पिछली वीडियो को देख लेंगे, मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें लिंक दे दूंगा। फिर अगला वाला DO2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा SO3 बाई डेल्टा टी, बस डी की जगह पर हमने क्या लगाना है? डेल्टा लगाना है। सेम यहाँ पर जैसा है डेल्टा की जगह पर यहाँ पर डी कर सकते हम। अगर मैं सेम SO2+O2 लेता और ये SO3 हो जाता तो क्या हो जाता? DSO2 बाई DT इज इक्वल टू माइनस और आएगा DO2 बाई DT इज इक्वल टू DSO3 बाई DT आपने बोला। ठीक है, इतना हमने कल ये डिस्क्राइब करके आज ये थोड़ा आगे पढ़ लिया है, बताओ आपको समझ में आया कि नहीं? अब इनके ऊपर ग्राफ थोड़ा सा देखते हैं।
ग्राफ आपको समझ में आएगा कि नहीं, देखते हैं एक बार और अच्छी तरह से आएगा, ये बात पक्का है। चलिए पहले ये आप नोट कर लें। तो अभी हम बात करेंगे अभिक्रिया के वेगों के लिए ग्राफ, है ना, अभिक्रिया के वेगों के लिए ग्राफ, अभिक्रिया के वेगों के लिए ग्राफ। तो अभिक्रिया के वेगों के लिए ग्राफ की बात करूं तो पहली बात आपको एक बात यहाँ पता होना चाहिए, क्या, कि जो हमारे पास अभिकारकों की जो सांद्रता होती थी वो क्या होती थी, घटती थी। अभिकारकों की सांद्रता घटती है और उत्पादों की सांद्रता बढ़ती है, ये बात आपको पक्का ही पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखें, अगर मैं इनके ग्राफ की बात करूंगा तो मान लीजिए पहले मैंने अभिकारक के लिए ग्राफ बना, ठीक है, तो अभिकारक के लिए ग्राफ कैसा जाएगा, यहाँ पर ले रहा हूँ मैं, ये सांद्रता ले रहा हूँ बेटा, ये सांद्रता है और ये मेरे पास आपका वेग, मेरे पास वो ले लिया समय, टाइम, ठीक है। अब ज़रा देखना इसका, अगर मैंने कहा कि भाई मेरे पास जो अभिकारकों की जो सांद्रता शुरुआत में इनिशियली ज़ीरो टाइम पर अभिकारकों की सांद्रता बहुत ज़्यादा होगी, हाईएस्ट होगी, मतलब मेरे का लगभग हाईएस्ट लेवल पर होगी, जैसे जैसे समय बढ़ेगा सांद्रता क्या होगी, कम होगी, तो कुछ ऐसा ग्राफ जाता है इसका, आपको ग्राफ कैसा मिलेगा इसका, ऐसा। शुरुआत में क्या थी, समय टी बराबर यहाँ पर ज़ीरो होता है, टी बराबर ज़ीरो पर सांद्रता ज़ीरो होगी और जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे सांद्रता कम होगी, ये उत्पाद बनने के लिए जाएगी, तो एक समय ऐसा भी आएगा जहाँ पर सांद्रता जब उत्पाद पूरी तरह से बन जाएगा तो ये एक समान हो जाएगी, फिर बढ़ेगी नहीं ना घटेगी फिर, ठीक है, ना घटेगी ना बढ़ेगी, एक इक्वल लेवल पे पहुंच जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सांद्रता, अभिकारकों की जो सांद्रता होती है वो क्या हो रही है, घट रही है। अगर मैं इसी से औसत वेग की बात करूँ, ध्यान दो सब लोग इधर, अगर मैं इसी से औसत वेग की बात करूँगा तो औसत वेग कैसे निकालूँगा भाई, मैंने कहा शुरुआत की जो सांद्रता है ये मेरे पास एक्स वन है और फिर जो मेरे पास लास्ट में जो सांद्रता रह गई है ये टी वन समय पर है, सपोज मान लो ये मैंने टी वन समय ले लिया या टी वन बराबर ज़ीरो कुछ भी हो सकता है टी वन बराबर, और ये मैंने टी टू समय ले लिया, ठीक है। इन दोनों समय पर अगर मैं सांद्रता चेक करना चाहता हूँ तो ये मेरे पास एक सीधी लाइन किस लिए खींची है मैंने, ये पता होना चाहिए आपको, ये मैंने स्लोप के लिए है, स्लोप, स्लोप बोले तो ढाल, यानी कि ढाल कैसी जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ सांद्रता घट रही है, तब ढाल इसकी नेगेटिव आएगी, माइनस के डेल्टा एक्स वाई डेल्टा टी। अगर मैं अलग अलग समय अंतराल की बात कर रहा हूँ तो सांद्रता भी समय अंतराल के साथ सेम उसी तरीके से घटेगी। तो आप, मैं कहूँ भाई डेल्टा एक्स वाई डेल्टा टी माइनस क्यों आया, बिकॉज एक्स टू कैसा है, कम है, और एक्स वन ज़्यादा है, एक्स टू कैसा है, कम है और एक्स वन ज़्यादा है, तो एक्स टू में से एक्स वन घटाएंगे तो क्या होगा, वैल्यू माइनस में ही आएगी। भाई अगर मैं आपसे कहूँ कि एक्स टू माइनस के एक्स वन और टी टू माइनस के टी वन, तो आप इसमें देखेंगे एक्स टू की वैल्यू कैसी है, कम है, और एक्स वन की वैल्यू ज़्यादा है, इसीलिए जो टोटल वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, माइनस में आएगी। समझ में आ गई मेरी बात, ओके। तो यहाँ से जो इसकी ढाल है वो कैसी है, नेगेटिव आती है, इसका मतलब हमें पता चलेगा कि इसकी सांद्रता घट रही है, इसकी सांद्रता घट रही है, ये ढाल है, ओके। सीधी लाइन खींचना मतलब ढाल है, ये आपको समझ में आया होगा पक्का ही। अगर मैं अब बात करूँ, यहाँ तक समझ में आया होगा, अगर मैं वही सांद्रता और समय टाइम के बीच ग्राफ खींचूं, और वो किसके लिए, ये तो अभिकारकों के लिए था औसत वेग में, ये तो अभिकारकों के लिए था, अभिकारकों के लिए औसत वेग था,
लेकिन अगर मैं अब बात करूं और उत्पादों के लिए, तो उत्पादों की सांद्रता हमेशा जीरो से क्या होगी, हाईएस्ट लेवल पर जाएगी। तो कुछ ऐसा ग्राफ आना चाहिए इसका, ऐसा ग्राफ नहीं आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा। जैसे जैसे ये सांद्रता कम हो रही होगी वैसे वैसे ये सांद्रता बढ़ रही होगी, ठीक है। तो एक समय ऐसा आएगा जब उत्पाद बन जाएंगे तो फिर सांद्रता का बढ़ना बंद हो जाएगा। तो ये मेरे पास एक्स टू सांद्रता और ये मेरे पास सपोज एक्स वन सांद्रता और ये मेरे पास टी टू और ये मेरे पास टी वन। तो अब इसके लिए मेरे पास क्या आएगा, अगर मैं इसके लिए ढाल बनाऊं तो इसकी ढाल कैसी आ रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, बढ़ रही है, पॉजिटिवली जा रही है। अगर इसकी ढाल मैं बनाऊं यहाँ से तो ऊपर की तरफ ढाल जा रही है भाई। तो ऊपर की तरफ जाने का मतलब है इसकी जो ढाल होती है वो कैसी होगी, प्लस में होगी, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। क्यों होगी, बिकॉज एक्स टू ज़्यादा है और एक्स वन कम है। तो आप इसके लिए टोटल वैल्यू निकालेंगे तो आराम से प्लस की वैल्यू आएगी, क्योंकि एक्स टू में से ज़्यादा में से कम को हटाएंगे। तो यहाँ से इसकी ढाल इस तरह से आएगी, ठीक है। दोबारा एक बार समझो, अगर मैं सांद्रता और टाइम के लिए ग्राफ खींचूँ अभिकारकों के लिए औसत वेग में, तब मेरे पास ग्राफ ऐसा आएगा और अलग अलग इंटरवल्स हमको देना पड़ेगा अलग अलग समय अंतराल के अंदर, तो सांद्रता भी समय अंतराल के साथ चेंज हो जाएगी। वैसे ही अगर मैं इसके अंदर बात करूँ टाइम के लिए, तो यहाँ पर भी सांद्रता जैसे जैसे धीरे धीरे समय अंतराल बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा तो सांद्रता धीरे धीरे यहाँ पर इनकी बढ़ती है, सांद्रता बढ़ती है। एक्स वन थी यहाँ पर, एक्स वन थी सांद्रता कम हुई, यहाँ पर एक्स वन सांद्रता बढ़ी है और एक्स टू में परिवर्तित हुई है, या घट करके एक्स टू में परिवर्तन हुई है। तो दोनों चीज़ आपको समझ में आई होगी, ये दोनों ये किसके लिए है, उत्पादों के लिए, उत्पादों के लिए औसत वेग है यहाँ, ठीक है। ये बात आपको पक्का ही समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर मैं ये कहता कि भाई सर नहीं, मुझे तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए चाहिए, तो यहाँ पर सेम ग्राफ बन जाता, बहुत जल्दी बन जाता है, और यहाँ पर क्या होगा, ये मेरे पास जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, मतलब मेरे कहने का मतलब इंटरवल नहीं आएंगे, समय अंतराल नहीं आएंगे। जब समय अंतराल नहीं आएंगे तो उस केस में हमारे पास सीधा सीधा अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ तो देख, ये मैं कोई भी एक ग्राफ अलग से ले लेता हूँ, ये कहती हूँ मेरे पास एक्स वन सांद्रता थी या डी एक्स वन सांद्रता में परिवर्तन आया और डी टी समय में आया, सिंपल। तो यहाँ पर मैं स्लोप क्या बोल देता इसके लिए, डी एक्स वाई डी टी। ये किसके लिए आता, आर ए वी के लिए, एवरेज सॉरी आर इंस्टेंटेनियस के लिए, मतलब तात्क्षणिक वेग के लिए कैसा आता, सीधा सीधा आ जाता, क्योंकि वहाँ समय अंतराल की ज़रूरत नहीं पड़ती हमको। और सेम यहाँ पर कहीं पर भी हम बोल दें कि भाई ये डायरेक्टली चेंज आया है तो ये डी एक्स हो गया और ये डी टी हो गया, किसी समय में, समय अंतराल में आया, समय अंतराल नहीं होता, अल्प समय में हो गया ये सारा काम, बहुत जल्दी हो गया, तो हम इंस्टेंटेनियसली आसानी से इसी को बना लेते। लेकिन यहाँ एक्स वन एक्स टू नहीं दिखाते, किसमें, तात्क्षणिक वेग में, बस ये अंतर होता है। नोट कर सकते हैं, समझ में आया होगा उम्मीद है, ठीक है। लाइक ठोक के जाएं, जल्दी जल्दी ठोकें। चलिए इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए ये मेरे पास अभिकारक है, ये मेरे पास क्या है, अभिकारक है, मैं इस पर लिख देता हूँ अभिकारक, ये मेरे पास क्या है, अभिकारक है, ओके। और मेरे पास उत्पाद क्या है, ये उत्पाद है, सपोज ये उत्पाद बनेगा इसमें। तो शुरुआत में अगर टी बराबर ज़ीरो है, इस लेवल को देखें, टी बराबर ज़ीरो पे सब लोग ध्यान देंगे इधर, टी बराबर ज़ीरो है तब अभिकारक की सांद्रता हाईएस्ट लेवल पर है, सबसे ज़्यादा है। फिर जैसे जैसे समय होगा वैसे वैसे ये सांद्रता कम होती जाएगी, अभिकारकों की सांद्रता कम हो रही है और उत्पादों की सांद्रता बढ़ रही है। आप इन दोनों लेवल को देखते जाइएगा, ये सांद्रता कम होती जा रही है और ये सांद्रता वैसे ही बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे समय हो रहा है ये सांद्रता कम होती जा रही है अभिकारक की और उत्पादों की सांद्रता बढ़ती जा रही है। और एक लेवल ऐसा आएगा कि अब मेरे पास उत्पाद बन गया है, अब इसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन समय परिवर्तन है, समय परिवर्तन पहले ज़ीरो था, अब धीरे धीरे समय एक मिनट ले लिया या दो सेकंड ले लिया या तीन सेकंड ले लिया, किसी भी अभिक्रिया होने में जो समय लिया है
वो उसका समय अंतराल है। मैंने कहा धीरे धीरे सांद्रता कम हो रही थी, इसकी सांद्रता बढ़ रही थी, किसी समय अंतराल में ये काम हो रहा था, तो आई एम टॉकिंग अबाउट औसत वेग, यानी कि मैं एवरेज रेट की बात कर रहा हूँ। अगर ये काम क्षण भर में ही हो जाता, मतलब पल भर में ही हो जाता, तुरंत हो जाता, ये लो तुरंत हो गया, सही है, तो समय अंतराल वहाँ हम समय अंतराल नहीं देख पाएंगे, उस केस में कुछ ऐसे ग्राफ आएंगे, ये वाला जो आपको दिख रहा है ये ब्लू वाला इस तरह से आ जाएगा। समझ में आ गई आपको, आप समझ गए होंगे, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। इस बात के लिए लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं, तो अब हेडिंग डालेंगे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। अगर मैं अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करूं, तो कौन कौन से कारक हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते होंगे, तो पहला नंबर हम बोलेंगे सांद्रता का प्रभाव। सबसे पहला नंबर डालेंगे आप सांद्रता का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, सब लोग ध्यान दें यहां पे, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सांद्रता का प्रभाव, इसको बोलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। पहला इफेक्ट है फैक्टर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सांद्रता का प्रभाव। क्या होता है सांद्रता का प्रभाव, जरा हम समझेंगे, गौर से समझेंगे। सपोज मेरे पास रिएक्टेंट है अकेला, अब मैं इसमें किसी को कोई भी रिएक्टेंट दूसरा रिएक्टेंट डालूंगा नहीं तो रिएक्शन होएगी नहीं, सही है। तो मैं क्या करूँगा, इसके साथ दूसरा रिएक्टेंट डालूंगा तभी तो रिएक्शन होगी। यानी कि अब यहाँ से एक पॉइंट याद रखना है कि जो अभिक्रिया का वेग क्या है, यानी कि कोई भी अभिक्रिया कब होगी, जब अभिकारक अणु जो होते हैं, अभिकारक अणु आपस में टकराएंगे। क्या कहा मैंने, अभिकारक अणु आपस में टकराएंगे और टकराने के बाद जो प्रभावी टक्कर होंगी वो उत्पाद बनाएंगी इसमें। तो मैंने क्या कहा, अगर मेरे पास अभिकारक एक ही है तो वो मॉलिक्यूल किसी से टकराने के लिए है नहीं, जब टकराएंगे नहीं किसी से तो उत्पाद कहाँ से बनेंगे, सही है कि नहीं। टकराना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ का यहाँ पे टकराना। तो मैंने क्या कहा, जैसे जैसे मैं अभिकारकों की सांद्रता, दोनों अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने लगूंगा तो क्या होंगे, मॉलिक्यूल आपस में क्या करेंगे, टक्कर करेंगी, तो टक्करों की संख्या बढ़ेगी और टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। जितनी ज़्यादा टक्कर होंगी उतना ज़्यादा अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। तो सांद्रता बढ़ाने पर ही होगा, अभिकारक मॉलिक्यूल मान लो इस रूम के अंदर मैं कहूँ कि भाई बहुत ज़्यादा बच्चे आते जा रहे हैं, सही है कि नहीं, जब बच्चे आते जाएंगे तो क्या होगा, आपस में टक्कर होंगे और एक आध लड़ू पर रहेगा और हॉस्पिटल जा सके, कोई थाने जा सके, सही है कि नहीं। अब थाने वगैरह और हॉस्पिटल वो क्या है, उत्पाद हो गए भैया, घर वाले छुड़ाने जा रहे हैं कि भैया उत्पाद बन गया छोरा, वापस लेने जा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे अभिकार गणुओं की संख्या बढ़ती है तो टक्करों की संख्या बढ़ती है और अभिक्रिया का वेग हमेशा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर बात करेंगे, लिखें जरा सब लोग, स्थिर ताप पर, ताप कैसा ले रहा हूँ, स्थिर ताप पर अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाते हैं, सांद्रता बढ़ाते हैं तो अभिकारक अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, अभिकारक अणुओं की संख्या बढ़ जाती है जिससे उनके बीच
टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, स्थिरता पर अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाते हैं तो अभिकारक अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, जिससे उनके बीच टक्करों की संख्या बढ़ जाती है और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। नीचे दिखाई दे रहा है ना, नीचे अगर और लिखूँ तो ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से एक बात कह सकता हूँ, देखो सिंपल वे में क्या कि जो अभिकारकों की जो सांद्रता है, ध्यान देना बेटा हैं, अभिकारकों की सांद्रता है वो समानुपाती है टक्करों की संख्या के और टक्करों की संख्या समानुपाती है अभिक्रिया के वेग। तो देखो अगर मैंने अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाई तो टक्करों की संख्या बढ़ी, और टक्करों की संख्या बढ़ी तो हॉस्पिटल पहुंच गए, नहीं अभिक्रिया का वेग बढ़ गया, ठीक है, हॉस्पिटल किसी को नहीं जाना। क्लियर हुआ, स्थिरता पर अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाते हैं तो अभिकारक अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, जिससे उनके बीच टक्करों की संख्या बढ़ जाती है और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। समझ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर डालेंगे, अब सेकंड नंबर है ताप का प्रभाव। बात ना करो यार, ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर, सपोज मैं अतुल, अब ये टाइम तो भाई अतुल भाई सुन रहे हैं, ये समय क्या चल रहा है हमारे पास, जाड़ों का एकदम ठंड चल रही है ना। तो अगर मान लीजिए सपोज ऐसा कर ले कि भाई जोर से आग लगा दे आपके पास, तो आप दूर भाग जाएंगे कि नहीं, मतलब आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, आप आग से क्या करेंगे दूर भागेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। यार तुम लोग क्या कर रहे हो, ध्यान दे लो यार। तो मैंने क्या कहा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है आपकी, बढ़ जाती है। सेम अगर मैं किसी भी अभिक्रिया के अंदर ताप बढ़ाऊँगा, ताप बढ़ाने पर क्या होंगे, अब उसको मैं और उल्टा कर देता हूँ। सपोज मैं अनुज को गर्म पानी हो और उस पर बिठा दूँ, तो अनुज तो फिर बिना देखे भागेगा भाई, चारों तरफ भागेगा, तो वो टकरा भी सकता है किसी से, सही है कि नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब अभिकारक अणु, मैंने कहा जब किसी भी अभिक्रिया का ताप बढ़ाऊंगा तो अभिकारक अणु उल्टी सीधी गति करने लगेंगी, यानी कि उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो टक्कर करेंगे एक दूसरे से, और टक्कर करेंगे तो अभिक्रिया का वे बढ़ जाएगा। वाह, चलिए आइए तो लिखें, यहाँ पर हमें सांद्रता स्थिर लेनी है ना, स्थिर सांद्रता पर अभिकारकों, स्थिर सांद्रता पर अभिक्रिया करो जाना, ठीक है। अभिक्रिया का ताप बढ़ाते हैं तो अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे टक्करों की संख्या बढ़ जाती है और अभिक्रिया का वेग
बढ़ जाता है। आई बात समझाने में, ठीक है। और अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ से क्या होगा, जो ताप है बेटा, ताप वो काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा के समानुपाती है। और गतिज ऊर्जा का क्या है, अणुओं की संख्या के, अणुओं की संख्या के, और अणुओं की संख्या काय के है, गतिज ऊर्जा के, वो सॉरी अभिक्रिया के वेग के, अभिक्रिया के वेग के। ये नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। चलो अगला नंबर देखते हैं हम, तीसरा नंबर है दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव। अब आप सोच रहे होंगे सर दाब का प्रभाव कैसे हो जाएगा, कुछ अपनी बुक में तो दिया नहीं है दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो दाब का प्रभाव तो बुक में दिया ही नहीं है, फिर क्या होगा। लेकिन बुक में ना थोड़ा सा वो गैसीज रिएक्शन पर फोकस कम किया है, लेकिन अगर हम यहाँ पर हम बात करें गैसीज रिएक्शन पर, तो गैसीज रिएक्शन पर दाब का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जरा एक बार देखना, सपोज एक मेरे पास कंटेनर है, इधर जान दो सब लोग, सब लोग इधर जान दो भाई, सब लोग इधर इधर लिशन। देखो अगर मेरे पास सपोज एक छोटा सा कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर गैस भरी हुई है आपस में रिएक्शन करने के लिए, अगर मैं ऊपर से इसको पिस्टन लगा करके उसको दबा दूँ तो गैसेस क्या करेंगी, वो पास पास आ जाएंगी, सही है। पास पास आएंगी तो क्या होंगी, टकराएंगी, और टकराएंगी तो क्या होगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। वाह मज़ा आ गया ना। तो लिखें, देखो यहाँ पर लिखेंगे किसी अभिक्रिया का दाब बढ़ाते हैं, किसी अभिक्रिया का दाब बढ़ाते हैं तो अभिकारक अणु, अभिकारक अणु पास पास आ जाते हैं, कम्स नियरर, तुम पास आए हमने अभिक्रिया कराई, ठीक है। मैंने कहा किसी अभिक्रिया का दाब बढ़ाते हैं तो अभिकारक अणु पास पास आ जाते हैं, तुम पास पास आते हैं, ठीक है, पास पास आ जाते हैं, जिससे, अरे जिससे क्या होता है, टक्करों की संख्या, टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। और अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। बात समझ में आ गई होगी, यानी कि दाब जो है, दाब समानुपाती टक्करों की संख्या, और टक्करों की संख्या समानुपाती अभिक्रिया का वेग। ये शॉर्टकट लिख देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, है ना, अभिक्रिया का वेग, याद की ध्यान रहे आपको, ये चीज़ है समझ में आ जाए आपको, जल्दी से नोट करें। उत्प्रेरक का प्रभाव, उत्प्रेरक का एक बार इसको और चेक कर लेते हैं, प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। अब तुम करेंगे सर ये कैटलिस्ट क्या चीज़ है, व्हाट डू यू मीन बाय कैटलिस्ट, तो जरा देखें कैटलिस्ट क्या चीज़ है। हमारे पास सपोज एक तो हरीश है, ऐसा मान के चल रहे हैं, एक अनुज है और एक मेरे पास अतुल है, ठीक है। अब जरा देखो क्या हुआ, अतुल की जगह पर हम थोड़ा आकाश ले लें, कारण बताता हूँ, आकाश ले लें सपोज, ऐसा चल मान के चल रहे हैं सपोज इन दोनों में मौजूदगी आ रही है, वैसी आपस में थोड़ा सा कहा सुनी सी है कि ये, तो ये हरीश क्या करता है, ये भाई ऐसा काम करता है आग में घी डालने का। इसने क्या कहा, भाई अनुज सुनना, बोला हाँ यार तोते ऐसे कह रहे हो आकाश में, बस सुनी ना गई, इतनी बुरी बुरी कह रहे हो यार, औकात ये और वो, पता नहीं क्या क्या कह रहा था आकाश, तुझसे
भाई अनुज को लाल तातो है वो एकदम, अनुज तो एकदम लाल तातो है वो, जाए गुस्सा ही आए वो। फिर ये बंदा गया इसके घर पे, यार अभी मैं अनुज से मिल के आ रहा हूँ, इतनी बुरी बुरी कह रहे हो यार तोते, यार मुझे सुन ही ना गई यार, सही बता रहा हूँ मैं, इतनी बुरी बुरी कोई कहना सकता तो इतनी बुरी बुरी कह रहा, गाली दे रहा हो घर पर सबन ने देख लूँगो, और भैया जी तो और ज़्यादा दुगनो लालता तो है वो, और दोनों लाई डंडा और है गई दम्मक दम्मा, खूँ खेच के लड़ाई है गई भाई। तो और ये खुश हो रहे एकदम कतई खुश, मज़ा आ गया भाई। तो अब देखो इनका कुछ नहीं बिगड़ा, बस गए थोड़ा सा लड़ाई में पार्ट बिगड़ा, तोते ऐसे कहते हट जाओ, कुछ होते हैं ना आपके आसपास, ओरे यार तोते कहती देख यार तोते ऐसे कहते, वो आपस में लड़ाई करवा देते हैं, है ना। जब लड़ाई करवा देंगे तो क्या होगा, ये जो काम है ये उत्प्रेरक का काम होता है, क्या किसी भी अभिक्रिया के, अच्छा उसकी अगर मैं होता तो मैं कहता अनुज अरे बेटा आकाश क्यों लड़ रहे हो, क्या फ़ायदा है तुम्हारे लड़ने से, बाद में एक साथ ही रहना है, और फिर क्या ज़रूरत है कह दे, कोई बात नहीं छोड़ो, चलो दो हाथ मिलाओ तो लड़ाई शांत होगी। माँ मैं भी उत्प्रेरक हूँ, बट मैं कैसा हूँ, मैं नेगेटिव कैटलिस्ट हूँ, मैंने कि मैंने अभिक्रिया के वेग को घटा दिया है, और एक पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। तो दो प्रकार के कैटलिस्ट होते हैं, दो प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं, एक तो वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं और घटा देते हैं। अब बढ़ाने वाले मतलब क्या है, मैं यहाँ पर केवल बढ़ाने वाले की बात कर रहा हूँ, केवल पॉजिटिव से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये करते होता क्या है, बेसिकली क्या होता है, सपोज देखना एक दीवार लगी हुई है, सुने बेटा ध्यान दो, इधर ध्यान दो रे, इधर ध्यान दो, ये आर है ये पी है, तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे, क्या फायदा पढ़ाने का। देखो मेरे पास आर है, अब ये आर को प्रोडक्ट बनाना है और ये दीवार है, ठीक है। तो कैटलिस्ट का काम क्या है, ये इसका काम क्या है, जब ये जाएगा तो दीवार फलांग के जाएगा, सही है कि नहीं। बट हमने क्या कर दें, यहाँ पर इसमें होल कर दें, और होल करके क्या करें, भैया चलो जा यार, तो प्रोडक्ट बन जाएगा, जल्दी बन जाएगा। मतलब कैटलिस्ट का काम होता है कि ये जो दीवार दिख रही है ना, उसको बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा, क्या बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा, आगे काम आएगी, आगे आने वाली है सक्रियण ऊर्जा, ओके। तो इसको बोलते हैं हम सक्रियण ऊर्जा, और सक्रियण ऊर्जा उत्प्रेरक की उपस्थिति में कम हो जाती है, और जब सक्रियण ऊर्जा कम हो जाएगी तो क्या होगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। तो सीधा लिखेंगे अभिक्रिया उत्प्रेरकों की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा का मान घट जाता है, उत्प्रेरकों की उपस्थिति में अभिकारकों की सक्रियण ऊर्जा का मान घट जाता है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे और प्रोत्साहन मिले, आपको और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आए आपके सामने, और अच्छे अच्छे लेक्चर लेके आए, और मज़े से पढ़ाएं आपको, और अच्छी अच्छी कंटेंट दें। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके जाएं, दोस्तों को बताएं कि RHS क्लासेस में ऑफलाइन क्लास भी चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी मिल रही हैं, तो दोनों काम आपके होते रहेंगे। तो ज़रूर 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 लाइक करें, थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़ने के लिए।